प्रो कबड्डी के अंदर पांच इतने बड़े खिलाड़ी हैं वो अनसोल्ड रहे हैं, बिके नहीं है, उसके ऊपर ये पूरी वीडियो होने वाली है। हर कोई बात कर रहा है कि भाई ये खिलाड़ी बिका इतने में, ये खिलाड़ी इतने बिका, लेकिन कबड्डी के अंदर जो इतिहास रचा जिन खिलाड़ियों ने, और वो खिलाड़ी आज अनसोल्ड हो गए हैं, किसी टीम ने उनके ऊपर मिनिमम बिड भी लगाने को तैयार नहीं है, जो बेसिक 10 लाख की है। तो उन प्लेयर्स का मैं लिस्ट वाइज नाम बताऊंगा, पांचवे से स्टार्ट करके पहले नंबर पे जाऊंगा, और आप सब जानते हैं रूबरू हर प्लेयर से। देखिए पांचवे नंबर पे बात करूं तो नवीन बाजार हैं, जो कि हरियाणा स्टीलर्स की तरफ से खेलते हैं। पिछली बार यहाँ पर जयपुर पिंक पैंथर्स ने अपनी टीम में उनको शामिल किया था, और वो खिलाड़ी एज ए थर्ड राइडर के तौर पर बहुत सही खेलता। पिछली बार तो उनको मौका भी नहीं मिला जयपुर पिंक पैंथर्स की तरफ से, लेकिन उस खिलाड़ी को ये लगा लीजिए अब की बार ऑक्शन के अंदर बोली ही नहीं लगी उस खिलाड़ी के ऊपर। पांचवें नंबर पर ये प्लेयर है। उसके बाद बात करूँ चौथे नंबर पर रण सिंह। रण सिंह को पिछली बार भी टीम में नहीं शामिल किया गया था, लेकिन जब कोविड की कुछ कंडीशंस के कारण कुछ दिक्कत हुई तो रण सिंह को बुलाया गया था, और रण सिंह ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया था। रण सिंह को अब की बार ऑक्शन के अंदर टीम के अंदर शामिल नहीं किया किसी भी टीम ने। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो तीसरे नंबर पे खिलाड़ी आते हैं रिशांग देवाड़ी का, जो कि एक टाइम पे आने वाले करोड़पति रेडर्स थे, जिनको करोड़ में मिलने वाले कुछ कुछ ही रेडर हैं जिनको करोड़ रुपए मिले, उनमें एक रिशांग देवाड़ी का भी थे किसी टाइम पर, और आज उस खिलाड़ी को बेस प्राइस 10 लाख रुपए देने को भी तैयार नहीं है कोई टीम। ये खिलाड़ी तीसरे नंबर के ऊपर। फिर बात करते हैं दूसरे नंबर के ऊपर रोहित अक्खी, जो कि यहाँ पर बेंगलुरु बुल्स के खिलाड़ी होते थे, पिछली बार तेलुगु टाइटंस ने अपनी टीम में शामिल किया था। ये खिलाड़ी किसी टाइम पे टॉप 5 रेडर के लिस्ट में आता था प्रो कबड्डी के, और आज ऐसी कंडीशन है कि भाई कोई भी टीम इनके ऊपर रुपया लगाने को तैयार नहीं है बेसिक प्राइस भी। तो थोड़ा सा अजीब तो लगता है भाई ये इतने बड़े प्लेयर्स और अनसोल्ड रह रहे हैं, बेसिक प्राइस तो कम से कम बनता है आखिर वो ऑक्शन में, लेकिन फिर भी नहीं हुआ है उनका सोल्ड। उसके बाद करते हैं नंबर 1 पोजीशन पे हैं संदीप नरवाल, और संदीप नरवाल को अभी भी थोड़े दिन पहले नवाजा गया था, एक पुरस्कार दिया गया था, हमारी सरकार देती है एक खिलाड़ी के नाम के अर्जुन पुरस्कार उनको मिला था, और ये लगा लीजिए उन खिलाड़ी को भी किसी ने टीम ने बेस प्राइस है वो नहीं दिया जो बेस प्राइस एक खिलाड़ी का होता है, और किसी टीम ने अपनी टीम में उनको शामिल नहीं किया। तो ये वो पांच बड़े खिलाड़ी हैं जिनको किसी भी टीम ने शामिल नहीं किया है, और सुन के तो अच्छा लगता नहीं है भाई, लेकिन यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिख जाएगा, उसके ऊपर आप मैसेज डाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।